वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया है। लाइक आप कहते हैं कि सर हमारा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल बेसिक से बताओ। तो मैंने बेसिक जो आपके स्कूल्स लाइफ में आपको जो प्रोबेबिलिटी था वो मैंने पहले 3 से 4 क्लासेस लगा करके वो आपको सिखाया है। इसमें आप कॉइन के टॉस से रिलेटेड चीज़ों को समझ जाओ, जिसमें आप डाइस से रिलेटेड चीज़ों को समझ जाओ, जिसमें आप लॉटरी से रिलेटेड चीज़ों को समझ जाओ, जिसमें आप कार्ड से रिलेटेड चीज़ों को आप समझ जाओ, और समझने के बाद उस पर प्रोबेबिलिटी यूज़ करना भी आप सीख जाओ, आप प्रोबेबिलिटी से यूज टू हो जाओ। इतना मैंने आपको बना दिया है। आज की क्लासेस में मैं आता हूँ आपको आपके बीकॉम ऑनर्स के लेवल पे लेकर के मैं आपको आता हूँ कि प्रोबेबिलिटी अब यहाँ से अपना लेवल को बढ़ाएगी। लेकिन एकदम से ही हम उस लेवल को टच करें उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स के साथ में आज की क्लास में फेमिलियर हो जाइए आप, हो जाइए कि परमुटेशन क्या होता है, आप समझ जाइए कॉम्बिनेशन क्या होता है, आप समझ जाइए फैक्टोरियल क्या होता है, आप समझ जाइए कॉम्बिनेशन किस तरीके से कैलकुलेट होता है। उसके बाद जब मैं आपके क्वेश्चंस को स्टार्ट करूंगा तो वहां पर मुझे कॉम्बिनेशन सिर्फ लगाना लगाना है, कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ बताना नहीं होगा। तो इसलिए चलिए सबसे पहले परमुटेशन एंड वर्सेज कॉम्बिनेशन, पहले आपको समझना होगा परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। पर उससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा। आप पहले फैक्टोरियल समझिए क्या होता है। पहले हम समझते हैं फैक्टोरियल, ठीक है, लाइक 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसका मतलब है कि आप इनवर्स काउंटिंग लिखो 3, 2, 1 तक, और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो। तो वैल्यू ऑफ द 3 फैक्टोरियल इज 6, क्लियर है। 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल सिंबल ये होता है, तो इसका मतलब क्या है कि आप 5 को रिवर्स काउंटिंग करो और इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 5, 4, 20, 60, 120, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे, इसकी वैल्यू होगी 120, क्लियर है। 7 फैक्टोरियल, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, समझ में आया बच्चे कैसे करना है। तो आपको फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी आ गई। एक बात और समझिए बच्चे, कुछ चीज़ें जैसे 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल है, तो ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़ कि 8 × 7 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और फिर आप नीचे लिख रहे हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये तो बेवकूफ़ी का परिचय दे रहे हैं, 7 से 7, 6 से 6, ये तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, है ना बच्चे, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आपने इसका आंसर लिखा 8, नहीं ऐसे नहीं करना ना। लाइक अगर आपके पास में 99 फैक्टोरियल अपॉन 97 फैक्टोरियल है तो एक बात समझ आइए, 99 × 98 × 97 आगे मत लिखो फैक्टोरियल, क्यों, नीचे 97 देख लिया आपने, 97 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो आप इसको लिखोगे 99 × 98। बात समझ में आया बच्चे। तो फैक्टोरियल को किस तरीके से ट्रीट करते, समझ में आया। सो रिसेंटली आई बॉट द कोर्स दिस द मंथ इट सेल्फ, कुड यू प्लीज रिवाइज वट ऑल हैपन टिल नाउ प्लीज सर। बच्चे देखो, जो भी बच्चे नए ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे आज भी ज्वाइन हो रहे हैं, डेली बेसिस पे हर मिनट भी ज्वाइन हो रहे हैं, अभी भी कोई ज्वाइन हो रहा होगा कोर्स में, तो सब बच्चे के लिए एक गाइडलाइन मैं बना करके कल आपके कंटेंट में, लाइव क्लासेस में तो आप, मैं आपसे लाइव रूबरू होता हूँ, पर लाइव क्लासेस के बाद अगर आपको कंटेंट पीडीएफ सब कुछ कहीं देखना हो तो आप कहाँ देखेंगे, आप अपने कंटेंट में देखेंगे। तो जो पढ़ा रहा हूँ ये लेक्चर प्लस में इसके साथ में ये जो पढ़ा रहा हूँ, हाथ से जो लिख रहा हूँ, ये पीडीएफ भी अटैच होता है। तो कंटेंट में मैं हाउ टू स्टडी, क्लियर है बच्चे, उसका एक वीडियो बना करके प्रॉपर मैं डाल दूंगा ताकि कोई बच्चा कभी भी ज्वाइन कर रहा हो उसको गाइडेंस मिल जाए, क्लियर है बच्चे। तो सबसे पहले अगर आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास में पूरा कंप्लीटेड कोर्स जो है वो रिकॉर्डेड है, और रिकॉर्डेड है मतलब ये बहुत पुराना कोर्स नहीं है बच्चे, ये रिकॉर्डेड अभी लास्ट मंथ ही रिकॉर्ड करके डाला है मैंने। आप बोलोगे सर क्या इसका प्रूफ है कि आपका लास्ट मंथ वाला है ये, तो बच्चे जैसे ये 2024 है, ठीक है, तो हमारे पास में 23 के क्वेश्चन डिस्कस होने चाहिए ना, अगर लेटेस्ट है तो, मानते हो ना। तो 2023 के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं आपके, आपके मेजरमेंट ऑफ सेनेट टेंडेंसी के किए हैं मैंने, मैंने कोरिलेशन के किए हैं, मैंने रिग्रेशन के किए हैं, इन सब के देखोगे तो प्रीवियस ईयर PYQ 10 ईयर के नाम से कंटेंट होगा रिकॉर्डिंग क्लासेस में, 2023 के, 22 के, 21 के, 20 के क्वेश्चन डिस्कस है बच्चे।
तो ये प्रूफ हो गया 2024 है, तो 22 में तो रिकॉर्ड हुआ नहीं है। 2023 का क्वेश्चन मुझे कैसे पता 22 में क्या आएगा, 2023 में जो आया मैंने वही तो रिकॉर्ड करा है आपका। तो लेटेस्ट कंटेंट है, तो आप लोग शुरुआत, जो बच्चे नए हैं नए नवेले हैं, तो आप शुरुआत मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी से कर दें, वो ज़्यादा बेटर है। क्लियर है? और जो डाउट आता है, डाउट नंबर है, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप, मैंने नंबर स्कैन कर लिया है, आप एक डाउट भेजो, सर ये समझ में नहीं आया, मैंने ऑडियो भेजा आपको, बेटा ये ऐसे होता है, तो बस यही तो है और क्या है, मैं आपके साथ में हूँ तो सही, घबराते क्यों हो बच्चे। तो अब आपको फैक्टोरियल यूज करना आया, हाँ भैया सिलेबस तो बड़ा है बट डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा सिलेबस है, सहमत हूँ मैं आपकी इस बात से, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, इस डिफिकल्ट कह रहे हैं इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अब परमुटेशन वर्स कॉम्बिनेशन समझना होगा आपको। सबसे पहले आप परमुटेशन समझिए क्या होता है। फ्रॉम अ टू लेटर वर्ड ऑफ अ पूल ऑफ द थ्री अल्फाबेट ABC। बच्चे देखो क्या है, सिंपल सी बात है, तीन लेटर मैं आपको दे रहा हूँ, एक लेटर ए है, एक लेटर बी है, एक लेटर सी है, तीन लेटर दिया, इससे दो लेटर वाले आप कितने नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हो, दो लेटर से कितनी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। तीन लेटर दे दिए, मैं दो लेटर के बनाना है, एक तो आप ए बी बना रहे हो, ठीक है, क्लियर है, और एक आप ए बी के बाद आप ए सी बना रहे हो, डिफरेंट है, एक आप बी सी बना रहे हो, ठीक है बच्चे, एक आप बी ए बना रहे हो, आपको सर बी ए हो या फिर ए बी हो, बात तो एक ही है, ए और बी इसमें भी है और ए और बी इसमें भी है। मैं कहता हूं बच्चे परमुटेशन में ऑर्डर भी मैटर करता है, नया ऑर्डर, लाइक मैं आपको ये बताता हूं, आपको अपने सूटकेस का लॉक खोलना है और लेटर, मैं आपको डिजिट बता देता हूं 3, 4, 5 में से ही है, तो अब एक ही बात नहीं हो जाएगा कि 3, 4, 5 लगा दो या 4, 5, 3 लगा दो या 3, 4, 5 लगा दो, क्लियर है, या 5, 3, 4 लगा दो, एक ही बात नहीं है, वो अलग लगाओगे तो नहीं खुलेगा। तो परमुटेशन कुछ ऐसा ही होता है कि अगर इसका ऑर्डर भी सेम चीज को लेकर के अगर ऑर्डर भी चेंज हो जाता है तो परमुटेशन एक अलग केस क्रिएट कर देता है। तो परमुटेशन के अंदर ये काउंट होगा, परमुटेशन के अंदर ये काउंट, सी ए बोलोगे सी ए तो पहले ही आ चुका, अरे भाई इसका ऑर्डर डिफरेंट है, ये पहले ए है फिर सी है, ये पहले सी है फिर ए है, तो परमुटेशन के अंदर ऑर्डर भी मैटर करता है। बोलोगे सर सी बी तो पहले भी आ गया, मैं फिर वही बात भाई इसका ऑर्डर चेंज हो गया, तो परमुटेशन में ऑर्डर मेंटेन कर, ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मैं आपसे सिंपल सी एक बात कहता हूँ कि थ्री लेटर है आपके पास में ए बी सी और थ्री अल्फाबेट्स, थ्री लेटर हो गया, एक सेकेंड यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिए हो भैया, हाँ मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है बच्चे, सेलेक्ट टू अल्फाबेट फ्रॉम अ थ्री अल्फाबेट्स, तो टू अल्फाबेट्स इसमें लूंगा मैं, तो मैं एक लूंगा ए बी, एक ले लेता हूँ बी सी, एक ले लेता हूँ मैं आपका सी ए या ए सी, अब फिर मैं इसका ले लेता हूँ बी ए, फिर इसका ले लेता हूँ मैं सी बी, उसके फिर मैं ले लेता हूँ सी ए, कि भाई तीन लेटर से दो दो के बनाने हैं मुझे, तो कितने ऐसे बना सकता हूँ मैं, आप कहोगे सर 6, नहीं कॉम्बिनेशन कहता है कि भैया ऑर्डर मेरे लिए मैटर नहीं करता, ए बी आ गया और यहाँ पर भी ए बी आ गया तो हो गया, अब मुझे एक रेड बॉल निकालना है एक ब्लैक बॉल निकालना है, तो उसमें से मेरे हाथ में चाहे पहले रेड है बाद में ब्लैक है या बाद में ब्लैक है या पहले ब्लैक है बाद में रेड है, कुछ भी आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो आ गया सो एक ही बार काउंट होगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन बोलता है कि भैया ऑर्डर आपका डिफरेंट है तो मैं उसको नया कंसीडर नहीं करूंगा, नई चांस नहीं लूंगा उसको मैं, वो है ही नहीं। कॉम्बिनेशन कहता है बस ये चीज आ गई ना, इसका ऑर्डर चेंज हो गया तो मेरे लिए वही है, उसको वो न्यू कंसीडर नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। आप बताओ प्रोबेबिलिटी के अंदर जब आप एक रेड एंड ब्लैक बॉल निकाल रहे हो, दो बॉल आप निकाल रहे हो, अब उसमें से आपके हाथ में पहले रेड है या बाद में ब्लैक है या पहले ब्लैक है बाद में रेड है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो एक ही बात कंसीडर होगी कि आपने रेड एंड ब्लैक बॉल निकाल लिया, ठीक है। इसलिए प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में परमुटेशन का कोई भी यूज नहीं है, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में यूज किसका है, कॉम्बिनेशन का यूज होगा। बात समझ में आया? आप बोलोगे सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला क्या होता है, चलो परमुटेशन का यूज नहीं होता बट दिल में आपकी इच्छा जगह तो फॉर्मूला भी बता दिया जाए, इसको बोलते हैं NPR, मतलब एन मतलब क्या, कितने हैं ये टोटल, थ्री हैं, थ्री में से सिलेक्शन हो रहा है।
थ्री में से ले रहे हैं, पी परमोटेशन और आपका आर थ्री में से कितने ले रहे हैं, टू ले रहे हैं। क्लियर है बच्चे, इसको ऐसे लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, थ्री फैक्टोरियल ऊपर वाला और नीचे वाला टू फैक्टोरियल। क्लियर है बच्चे, परमुटेशन। एक सेकेंड, थ्री ये होता है थ्री फैक्टोरियल अपॉन थ्री माइनस टू फैक्टोरियल परमुटेशन के अंदर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो थ्री इंटू ऊपर लिखेंगे थ्री फैक्टोरियल, मतलब इसका डिफरेंस वन फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे थ्री इंटू टू इंटू वन अपॉन वन, सॉल्व करेंगे वन से वन काटने की जरूरत है नहीं, मुँह रखता है लेकिन फिर भी कितने बनेंगे इससे, सिक्स बनेंगे। तो उसके लिए मुझे बना बना के देखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्म लगा दो परमुटेशन में, आपको पता लग जाता है कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, सिक्स बनेंगे। सेम कॉम्बिनेशन के अंदर, कॉम्बिनेशन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसको लिखते हैं हम एन कॉम्बिनेशन मीन सी आर। सॉल्व करेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाला आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं एन फैक्टोरियल, एन मीन्स कितने हैं आपके पास में, थ्री, मैं लिख देता हूँ एन कितने, थ्री में से ले रहे हो, कितने को ले रहे हो, दो को ले रहे हो, तो क्या लिखोगे, थ्री फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल और इसका डिफरेंस थ्री और टू का वन फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं थ्री इंटू टू इंटू वन अपॉन टू इंटू वन, सॉल्व करेंगे तो थ्री इसका आंसर आएगा। तो कॉम्बिनेशन में कितने कॉम्बिनेशन बना पाओगे इसके, थ्री कॉम्बिनेशन बना पाओगे। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया, ये फार्मूला आपका अब पीछा नहीं छोड़ेगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे कि उसकी कितनी संभावनाएं बनेंगी, अगर तीन में से दो ले रहे हैं तो इसकी कितनी संभावनाएं आएंगी, कितने कॉम्बिनेशंस क्रिएट होंगे। ठीक है बच्चे, आप जैसे एक और क्वेश्चन देख लो डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंशिएट सीखिए पहले आप। थ्री लेटर वर्ड फ्रॉम अ थ्री अल्फाबेट्स, थ्री अल्फाबेट तीन लेटर बना रहा हूं मैं परमुटेशन के अंदर, तो एक तो ए बी सी, एक ए सी बी, भाई लेटर तो वही है लेकिन क्या हो गया, ये ऑर्डर चेंज हो गया, ये ऑर्डर चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया। तो मैं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ठीक है ना बच्चे, थ्री लेटर वर्ड फ्रॉम द पूल ऑफ द थ्री अल्फाबेट, ठीक है, थ्री पी थ्री क्या लिखूंगा, थ्री फैक्टोरियल, ठीक है बच्चे, अपॉन में थ्री माइनस थ्री फैक्टोरियल, ये होगा एन पी आर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, बस बात खत्म। तो थ्री अपॉन थ्री माइनस थ्री दिस वन फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे तो थ्री इंटू टू इंटू वन और जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, वन होती है, जीरो नहीं होती है। सिक्स अपॉन वन इक्वल्स टू सिक्स, सिक्स बनाना आपका। अगर यही बात मैं करता हूँ किस में, कॉम्बिनेशन में, तीन लेटर में से तीन ले रहा हूँ तो कॉम्बिनेशन बस एक ही लेगा ए बी सी, अब ऑर्डर चेंज कर दो तो उसके लिए वो नई चीज़ नहीं है कॉम्बिनेशन के लिए। क्लियर है, तो कॉम्बिनेशन में अगर आप करते हैं यहाँ पर तो आपके पास में एन सी आर, एन सी आर, यहाँ पे एन क्या है आपके पास में, थ्री ले रहे हो उसमें से थ्री ले रहे हो, ठीक है बच्चे। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास में थ्री फैक्टोरियल अपॉन में थ्री फैक्टोरियल अपॉन में जीरो फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे आपका आंसर वन आएगा। तो इससे एक ही चीज़ तो क्रिएट होगी आपकी। क्लियर है सर, लेटेस्ट स्टूडेंट को पहले क्या करना चाहिए फर्स्ट, क्योंकि आप भी बहुत आगे वाले चैप्टर कर रहे हो शायद। पहला मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करना चाहिए बच्चे, पहला क्या करना चाहिए, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करना चाहिए। अब आपको देखो कॉम्बिनेशन करना सिखा दिया मैंने, अब आपको कुछ कॉम्बिनेशन के बेसिक क्वेश्चन सीखे, प्रोबेबिलिटी आज की क्लास में नहीं चर्चा में लेकर आऊँगा, सुबह भी पढ़ा दूँ क्या यार, मेरा मन करता है सुबह भी पढ़ाने का, जैसे कि मैं 10:15 बजे अगर पढ़ा दूँ आपको कैसा रहेगा, हैं इतना ज़्यादा लंबा खींचा नहीं जाता है कि डेढ़ घंटे खींचो, थोड़ा सुबह पढ़ा दें, शाम को पढ़ा दें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा दें, ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। कमेंट करके बताएं कि सुबह भी बोलोगे तो। इन हाउ मैनी वेज कैन द टर्म ऑफ द थ्री बॉयज एंड
थ्री गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम द फाइव बॉयज एंड फोर गर्ल्स, ठीक है ना? तो कितने बॉयज हैं? फाइव बॉयज हैं। इसमें सिलेक्शन कितना किसने करना है? थ्री बॉयज का करना है, ठीक है? सिलेक्शन। और सिलेक्शन करना है, कितनी गर्ल्स हैं? फोर गर्ल्स हैं। और कितनी गर्ल्स सिलेक्शन करना है? थ्री गर्ल्स का सिलेक्शन करना है, ठीक है? तो कितने सिलेक्शन, मतलब कि पांच लड़कों में से तीन लड़के और चार गर्ल्स में से तीन लड़कियां सिलेक्शन करनी है, तो कितने कॉम्बिनेशंस हम क्रिएट कर सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज कैन अ टर्म्स ऑफ अ थ्री बॉयज एंड थ्री गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम द फाइव बॉयज एंड फोर गर्ल्स? तो इसको आप कैसे लिखोगे? इसमें से पहले आप देखोगे तो आपके पास में सबसे पहले कितने हैं? फाइव में से कॉम्बिनेशन लोगे आप, है ना? फाइव में से थ्री गर्ल्स, तो कितने चांसेस हैं इसके होने के? थ्री, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। और यहाँ पर फोर में से हमें क्या लेना है? थ्री लेना है, ठीक है? और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कि इसमें से जो सिलेक्शन, इसमें सिलेक्शन, उसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसे मल्टीप्लिकेशन अप्रोच कहते हैं, कि इसमें से इतना लेना है और इसमें से भी इतना लेना है, दोनों में से ही लेना है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? दोनों में से ही आना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? फाइव फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू इसका डिफरेंस टू फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू इसका डिफरेंस वन फैक्टोरियल। तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू, यहाँ पे थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू टू इंटू वन, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, थ्री इंटू टू। सॉल्व करेंगे आप इसको बच्चे, इतना तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये मूर्खता, भाई मैं ऐसी मूर्खता करूँगा तो आप तो ज़रूर करोगे। फिर फाइव इंटू फोर, नीचे थ्री दिख गया तो थ्री फैक्टोरियल लिख दो बस, थ्री फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, फोर इंटू थ्री, नीचे थ्री दिख गया थ्री फैक्टोरियल लिख दो बस, थ्री फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल लिखने की नीड नहीं है। थ्री से थ्री कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल, कितना आया आपके पास में? ट्वेंटी यहाँ आया और इंटू यहाँ पर कितना आया आपके पास में? इंटू फोर आया, तो कितना आया इसके? एट्टी कॉम्बिनेशंस निकल करके सामने आएंगे आपके, ठीक है बच्चे? 80, टू फैक्टोरियल कहाँ है? हाँ भाई हाँ, क्या बात कर रहे हैं जी, क्यों नहीं होगा जी? हाँ जी, टू दस और ये 40 इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे? अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि या तो तीन बॉयज आ जाए, आइदर थ्री गर्ल्स आ जाए, अगर आइदर आ जाता एंड मीन्स क्या होता है, दोनों में चाहिए, थ्री बॉयज एंड थ्री गर्ल्स, यहाँ से तीन बॉयज चाहिए, वहाँ से तीन गर्ल्स चाहिए, अगर यहीं पर होता इस एंड की जगह और होता, ठीक है ना, वर्ड लिखा हुआ, तो मैं सेम कैसे करता? फाइव थ्री प्लस फोर सी थ्री, इसको एडिशन बोल देते हैं हम सेम चीज़ को, कि या तो तीन बॉयज आ जाएं या तो तीन गर्ल्स आ जाएं, तो इसको हम एडिशन की तरह सॉल्व करते। तो सिंपल है, फाइव फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल। तो फाइव फैक्टोरियल, फाइव इंटू फोर ट्वेंटी अपॉन टू, तो यहाँ क्या आ जाएगा? टेन प्लस फोर, तो यहाँ पर 14 आता आपका, ठीक है बच्चे? तो ये एडिशन थ्योरम हो जाता है, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो जाता है जब एंड आता है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? मैं आपको बता रहा हूँ, और आ जाए यहाँ पर थ्री बॉयज और थ्री गर्ल्स, या फिर आइदर थ्री बॉयज आइदर थ्री गर्ल्स, तो यहाँ पे और वर्ड से एडिशन आ जाता है यहाँ पे। क्लियर है बच्चे? मैं तो यही उम्मीद करूँगा बच्चे, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं बात करूँगा, मैं तो बच्चे यही दुआ करूँगा कि आप इसको पहले इतना समझ लो, इतना डाइजेस्ट कर लो। छोटी सी क्लास रखी है, बिल्कुल रखी है, दोनों बातों को समझिए, नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन के साथ में उतरूँगा, ठीक है? क्योंकि मेरी मजबूरी भी है
कंटेंट मेरा ख़त्म सा हो गया यहाँ पर, शायद कंटेंट डेवलपर जो टाइप करता है उसने इसको ऐड करना भूल गया वो, तो मेरा कंटेंट यहाँ पर समाप्त हो गया है। लेकिन उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको आज परमुटेशन भी बात समझ में आई होगी क्या होता है, कॉम्बिनेशन भी आपको समझ में आया होगा क्या होगा, कॉम्बिनेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। और प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन कोई यूज़ नहीं होता, कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है, ठीक है।